फाइनली दोस्तों, भारतीय रेलवे के पूरे इतिहास में अभी तक का सबसे बड़ा 2.40 लाख करोड़ रुपीस का भारी भरकम बजट दिया गया है। और इस बजट के बाद ही अब यहाँ पर वंदे मेट्रो को लेकर काफी तेजी से काम शुरू हो चुका है। रेलवे ने यहाँ पर हाल ही में जानकारी दी कि 50 से 60 किलोमीटर की जो दूरी है उसे तय करने के लिए ही स्पेसिफिकली हम इस नई वंदे भारत मेट्रो ट्रेन को बना रहे हैं। उसे तय करने के लिए ही हम इस तरह की न्यू टेक्नोलॉजी ला रहे हैं मार्केट में। आपको जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन रेलवे ने कहा है कि हम इसे डीजल से नहीं, इलेक्ट्रिक से नहीं, बल्कि हाइड्रोजन से पावर करेंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, देश की पहली ऐसी मेट्रो जो हाइड्रोजन पर आधारित होगी। एक साल के बाद सीधा इसे लॉन्च भी कर दिया जाएगा। इस साल पूरा डिजाइनिंग से लेके जो भी प्रोटोटाइप का काम है सब कंप्लीट कर लिया जाएगा और होपफुली 2024 में इसे लॉन्च कर दिया जाएगा फाइनली। टॉप स्पीड की बात करें तो 125-130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन दौड़ेगी। जिस तरह से आपने यूरोपियन इंटरसिटी ट्रेन्स देखी है, सेम उसी प्लेटफॉर्म पर आधारित ये होगा और उसी तरह से इसे डिजाइन भी किया जाएगा। अभी आप वंदे भारत से भी कंपेयर कर सकते हो इसे काफी बार। वंदे भारत के डिजाइन को टक्कर देते कुछ इस तरह का डिजाइनिंग इस मेट्रो की जाएगी। हालांकि इसमें टॉयलेट की व्यवस्था नहीं होगी क्योंकि ये छोटी दूरी की ही ट्रेन है, बट रेलवे का कहना है कि 1950-1960 के जमाने की अभी जो ट्रेन्स दौड़ रही हैं उन सबको हम रिप्लेस कर देंगे विद दिस न्यू फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी वाली वंदे भारत मेट्रो। इसके अलावा अब तो सुनते ही आ रहे हो कि रेलवे रिकॉर्ड अर्निंग करने में लगी हुई है 40,000-50,000 करोड़ रुपीस। लेकिन अब इस 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में तो ये टारगेट है कि हम 70,000 करोड़ रुपीस की कमाई करेंगे और ये एक काफी बड़ा चैलेंज होगा रेलवे के लिए। सो भारत के इस फ्यूचरिस्टिक ट्रेन के बारे में आपकी क्या राय है, डेफिनेटली कमेंट्स में बताइएगा।